संवारते हैं, उन्हें भगवान भी ये दिल से प्यार करते हैं, उन्हें भगवान भी ये दिल से प्यार करते हैं, उन्हें भगवान भी ये दिल से प्यार करते हैं, उन्हें भगवान भी ये दिल से प्यार करते हैं। भगवान से प्रार्थना करो आप और कहो उनसे, आपने गड़का गीत को तारा, हम तो तुम्हारी कथा सुनने वाले हैं, फिर हमारे ऊपर भी कृपा करोगे या नहीं, ऐसा कहके देखो एक बार। कहा है तुम्हें तार दिया गीत गड़का को भी तारा, तार दिया सदन कसाई को भी तारा, तार दिया सदन कसाई को भी तारा है, तार दिया सदन कसाई को भी तारा है। और हे भगवान तार दो हमको, हम भी नाम लिया करते, तार दो हमको, हम भी नाम लिया करते हैं, हाँ करते हैं, उन्हें भगवान भी ये दिल से प्यार करते हैं, उन्हें भगवान भी ये दिल से प्यार करते हैं। भक्ति ज्ञान देके कर डाला, पार सब रीत भक्ति ज्ञान देके कर डाला, पार सब रीत भक्ति ज्ञान देके कर डाला, पार सब रीत भक्ति ज्ञान देके कर डाला, पी गई इसका भरा मेरा थी वो प्याला, 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 भर दो इसका प्याला हम भी पिया करते हैं, भर दो इसका प्याला हम भी पिया करते हैं, हाँ हाँ करते, उन्हें भगवान भी ये दिल से प्यार करते हैं, उन्हें भगवान भी ये दिल से प्यार करते हैं, उन्हें भगवान भी ये दिल से प्यार करते हैं, जो भगवान का ये दिल से भजन करते हैं, जो भगवान का ये दिल से भजन करते हैं, उन्हें भगवान भी ये दिल से प्यार करते हैं, उन्हें भगवान भी ये दिल से प्यार करते हैं। तुलसी हो गए राम नाम गा करके,
पार तुलसी जी हो गए राम नाम गा करके, पार तुलसी जी हो गए राम नाम गा करके, अहिल्या पार हुई चरण रज पा 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 करके। और कह दो भक्त ये भव से ऐसे पार हुआ करते हैं, भक्त ये भव से ऐसे पार हुआ करते हैं, उन्हें भगवान भी दिल से प्यार 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 करते हैं। हाँ जो भगवान का ये मन से भजन करते हैं, जो भगवान का ये मन से भजन करते हैं, जो भगवान का ये मन से भजन करते हैं, जो भगवान का ये मन से भजन करते हैं, उन्हें भगवान भी दिल से प्यार 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 करते हैं। जो भगवान का ये भजन किया करते हैं, 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 उन्हें भगवान भी दिल से प्यार 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 करते बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। जो भगवान का ये भजन किया करते हैं, उन्हें भगवान भी दिल से प्यार करते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान को आपने बुलाया वो ना आए, ऐसा नहीं हो सकता है। आगे सुखदेव जी ने वर्णन किया राजा परीक्षित को, राजा एक बार ये भगवान शिव का एक धर्म पुत्र हुआ है जिसका नाम था बाणासुर। बोले बाबा की बहुत आराधना किया करता था ये, इसलिए भगवान भोलेनाथ ने इसे वरदान दे दे करके बहुत शक्तिशाली बना दिया। और देखिएगा यह सहस्त्र भुजाओं वाला है, इसके 1000 भुजा है बाणासुर के। अब ये जिसके पास में भी युद्ध करने के लिए जाता है ना, वही इसके इससे डरता है और अपने अस्त्र शस्त्र इनके चरणों में धर देता है बेचारा, कोई युद्ध नहीं करता इनसे। तो एक बार यह भगवान शिव के पास में गया और जाकर के कहने लगा है, भगवान मैं दुनिया में जिसके भी पास में जाता हूं ना, वही मुझसे युद्ध नहीं करता है, और मैं किसी युद्ध करने का विचार भी बनाऊ ना तो वह मेरे सामने अपने अस्त्र शस्त्र डाल देता है। अब एक बात बताओ, कोई बेचारा हाथ जोड़ के खड़ा हो, प्रभु जो चाहिए जैसा करना है वैसा कर लो, लेकिन हम आपसे युद्ध नहीं कर सकते, तो उससे युद्ध कैसे किया जाए। लेकिन वही बाणासुर कह रहा है, मेरी ये भुजाएं है ना, इनमें युद्ध करने के लिए भड़कती है, खुजली होती है इनमें, और दुनिया में कोई भी योद्धा मुझसे युद्ध नहीं कर सकता। भगवान भोलेनाथ ने कहा तो फिर हम क्या करें यह बता। बाणासुर कहने लगा मेरे मन में आ रहा है कि तुम ही मुझसे दो दो हाथ कर लो। भोले बाबा ने कहा वाह बेटा, हमने तुझे इतना शक्तिशाली बना दिया और तुझे वरदान दे दे करके शक्तिशाली किया हमने, लेकिन तू हमसे युद्ध करना चाहता है,
लेकिन ठीक है, तू मेरा धर्म पुत्र है भैया, मैं तुझसे युद्ध तो नहीं करूंगा बाणासुर, लेकिन तुझे यह वरदान देता हूं, क्योंकि मैंने जीवन भर तुझे वरदान दिया है, और एक वरदान मैं तुझे आज फिर देता हूं कि यह तेरी सहस्त्र भुजाओं की खुजली को मिटाने वाला जो योद्धा है ना, वह शीघ्र आकर के तुझे ढूंढ लेगा, तुझे जाने की जरूरत नहीं है कहीं। और ऐसा वरदान भगवान ने दिया इसे, लेकिन इसकी एक पुत्री थी जिसका नाम